किस तरह का है? हमारी बिहार सरकार कृषि विभाग ने ये निर्णय गत वर्ष ही ले चुके थे, जिसमें 18 और 19 में दो चौपाल कृषि किसान चौपाल लगाने का कार्य किया गया था, जिसमें खरीफ मौसम में लगने वाली और एक रबी मौसम में लगने वाली। इस वर्ष भी सरकार ने अपनी योजना में रखी कि इस वर्ष 2019 और 20 के लिए खरीफ में किसान चौपाल कार्यक्रम और रबी चौपाल कार्यक्रम करना है, जिसमें 10 तारीख से 10 जून से लेकर के 30 जून के बीच में किसान चौपाल कार्यक्रम आज से प्रारंभ हो गया है। और ये बिहार के 8,405 पंचायतों में लगेंगे। इसके लिए तिथि जो 10 से 30 दिया गया है, इसमें 534 प्रखंड हो जाएंगे। एक दिन में 534 किसान चौपाल का आयोजन हमारे राज्य के अंदर हो रहा है। सारी व्यवस्थाएं हो चुकी है, उसके लिए एक योजना से संबद्ध कर करके एक पुस्तिका बनाई गई है मार्गदर्शिका के रूप में, जो 16 पन्ने का वो है। इसमें खरीफ मौसम में जितनी योजनाएं सरकार चला रही है उसको विधिवत और भारत सरकार के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा क्या योजना की प्लान है, सारी उसमें चिन्हित किया गया है। और वो किसानों के बीच हमने अपनी जो तैयारियां किया है कि उसको 60-60 किताब हर पंचायतों में मैंने व्यवस्था बनाया है। लगातार मैं ट्रांसपोर्टर के द्वारा मैं कल और आज, मतलब परसों और कल दोनों दिन मिला करके 3800 जिलों में मैंने किताब पहुंचवा दिया। इसके साथ एक अहम और फैसला मैं खुद लिया था, माननीय मंत्री जी का भी वो था डायरेक्शंस कि आप फीडबैक प्राप्त कीजिए कि मान लीजिए किसान चौपाल बताते हैं, सारी योजना की जानकारी देते हैं, लेकिन किसान क्या चाहता है और उसको क्या बेहतर बनाने के लिए वो क्या पसंद करते हैं। तो वो एक फीडबैक फॉर्म भी मैंने यहाँ से दिया हूँ, जो कि 100 किसानों को वो फीडबैक फॉर्म भरना है, विथ नाम अपना मोबाइल नंबर लिखना है। उसमें 4 सुझाव मैंने उनसे मांगा है कि किसान चौपाल कैसा लगा।